मुंबई से मिल रही है। मुंबई में गोल्ड स्मगलिंग का अनोखा मामला सामने आया है। एक तस्कर के पेट से 240 ग्राम सोना जो है वो बरामद किया गया है। कस्टम विभाग ने इंतजार अली नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। सोने के 7 टुकड़े प्लास्टिक की पन्नियों में इस शख्स ने निगल लिए थे। जेजे हॉस्पिटल में एक्सरे के बाद इस बात का खुलासा हुआ, यानी इनपुट्स पहले से मिले थे और किस तरीके से कस्टम विभाग के अधिकारियों ने इंतजार अली नाम के इस शख्स को जो है गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है सोने के 7 टुकड़े प्लास्टिक की पन्नियों में इसने निगल लिए थे। राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। राकेश, इनपुट्स मिले होंगे तभी इस शख्स को गिरफ्तार किया गया होगा, कैसे ये कार्रवाई की गई और फिलहाल और क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए शक के आधार पर ही कस्टम अधिकारियों ने इस शख्स को हिरासत में लिया था और इससे पूछताछ की गई थी। उसके बाद में सबना जुर्म कबूला और जैसे उसने ये बात बताई कि उसने सोने के ये टुकड़े निकले हुए हैं प्लास्टिक की पन्नियों के साथ, उसे तुरंत मुंबई के जेजे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर सर्जरी विभाग के जो हेड है डॉक्टर अजय भंडारकर उनकी देखरेख में ये प्लान किया गया कि आखिर इसे कैसे बरामद किया जाए। और उसे 3 दिन के लिए हाई फाइबर डाइट के ऊपर रखा गया, जिसमें तकरीबन 1 दर्जन केले का सेवन उसमें शामिल था। और इसी के बाद जो है नेचुरल तरीके से 3 दिनों के बाद में इस आरोपी के पेट से तकरीबन 240 ग्राम सोना जो है वो बरामद किया गया। सोने को जो है वो कस्टम अधिकारियों को सौंप दिया गया है और ये जो शख्स है अभी वो फिलहाल कस्टम अधिकारियों की हिरासत में है। ये कहां से ये लेकर के आ रहा था, किसे सौंपने जा रहा था, क्या इसके पहले की क्राइम हिस्ट्री क्या है, इसकी भी फिलहाल जांच की जा रही है। राकेश, जिस तरीके से इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है और इसने हालांकि उगल लिया कि किस तरीके से इसने निगल लिया था इन पन्नियों के साथ ये जो गोल्ड थी, लेकिन कहीं ना कहीं से तो इनपुट जरूर मिले होंगे राकेश, तभी इस शख्स से पूछताछ हुई होगी। अमूमन देखने को ये मिलता है कि सामान में या किसी तरीके से जूते में छिपा कर लाते हैं, लेकिन इसने तो सोने की ये जो दिख रही है बिस्किट्स कह सकते हैं उसको निगल लिया था। जी बिल्कुल, देखिए खुफिया जानकारी थी कस्टम अधिकारियों के पास इस तस्करी को लेकर के और जो शख्स है उसके हालचाल को लेकर के, उसके जो है कदकाठी को लेकर के जानकारी थी उनके पास और इसी को लेकर के इसे डिटेन किया गया था। अब तक जो है ड्रग्स स्मगलिंग के ऐसे मामले कई बार देखे गए हैं जिसमें ड्रग्स की जो गोलियां हैं लोग वो इस तरीके से निगल के अपने साथ लाते हैं और उसे रिकवर किया जाता है, लेकिन सोने की तस्करी के लिए इस मोडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल करना ये अपने आप में एक नई बात जो है जांच एजेंसी के सामने आई। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए।